बहुत बढ़िया है। इस प्रोग्राम में भी तीर्थराज पुष्कर राज के विकास की मांग का मुद्दा आया। ये हमारे पर्यटन मंत्रालय में और संस्कृति मंत्रालय में ऑलरेडी अंडर कंसीडरेशन है। कुछ पैसे हमने मंजूर भी किए हैं, करीब 33 करोड़ रुपए पुष्कर के डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रसाद स्कीम हमारी चलती है पर्यटन मंत्रालय की, उसके तहत सेंक्शन भी है। कुछ बड़ी मांग ये आई है कि यहाँ एक परिक्रमा लगती है तो उस पूरे एरिया का विकास हो, जिसको कुछ लोग कॉरिडोर का नाम भी दे रहे हैं, नाम कुछ भी दें, जहां जहां तीर्थयात्री जाते हैं उस सब के विकास के लिए अगर एक DPR आती है राजस्थान सरकार से या कोई संस्था है तो यहाँ की संस्था से, नगरपालिका हमारे स्थानीय नगरपालिका दे दें, कोई भी दे दें, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन स्थानीय होता है, तो हम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से भी और संस्कृति मंत्रालय से ये पैसा पुष्कर राज विकास के लिए हम मंजूर करवा देंगे, निश्चित रूप से करा देंगे। पैसा का कोई संकट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार चल रही है वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध भी है। कोई ऐसा स्थान जो स्पिरिचुअली बहुत श्रद्धा के साथ उसका नाम पूरे देश में हो, उस स्थान का विकास होना ही चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता है। प्योर दी लोटो इंडिया द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज 185 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। इसी के तहत 120 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। फाउंडेशन द्वारा बालिका शिक्षा भी दिलवाई जा रही है और बहुत से सामाजिक सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें 150 परिवारों को हर माह खाद्य सामग्री वितरित की जाती है। और जो बालिकाएं उच्च शिक्षा अध्ययन करना चाहती हैं उनको उच्च शिक्षा अध्ययन भी करवाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है संस्था का भविष्य में? फाउंडेशन का उद्देश्य है कि महिला स्वरोजगार, लोकल फॉर वोकल, और महिला अपने आप पर डिपेंड रहे। आज कौन कौन आए मुख्य? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, सांसद श्री भागीरथ जी चौधरी, विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत, पालिका अध्यक्ष श्री कमल जी पाठक। आपका नाम? दीपू महर्षि, अध्यक्ष प्योर दी लोटो।